सारा सामान खींच लिया सब लड़कों ने, और हमें घर में घुसने भी नहीं देते, सब चीज़ हमारी चीज वस्त्र सामान सब कुछ लूट के ले गए। जिस भी हद तक हमें जाना होगा हम जाएंगे, बिल्कुल बक्सा नहीं जाएगा। चंद्रशेखर भाई ने बीमार में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो किसी जाति विशेष या धर्म के लिए काम नहीं करता, और कानून हमारे पास है, हम किसी भी कीमत पर इनको नहीं छोड़ेंगे। कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं? करीब करीब 19-20 साल के आसपास तो इनको हो गए हैं। 19-20 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ। तुरंत खबर मिल गई कि 40-50 लोगों ने इन पे हमला कर दिया। जब इन पे हमला को सुना तो थोड़ी तकलीफ हुई। 2010 से पहले से रह रहे हैं, 2000 तो हम भी आए हुए हैं, हमारा मकान ये बराबर वाला ही है। 2003 से इनको जानते हैं, आते जाते हैं, और जब हमारा मकान बना तो इन्होंने पानी हमको दिया था, इन्होंने ही पानी दिया था। और 40-50 लड़के हाकी डंडे लेके मेरे घर में घुस गए, मेरा सारा सामान ले गए और मुझे मारा तोड़ा, मेरे परिवार को पूरा वो कर दिया। जमीन के जो दस्तावेज है वो आपके नाम से है? हाँ, मेरे नाम से है। अच्छा। तो ये गुंडे और माफिया लोग इस आपदा में जो कोरोना काल में लोग पीड़ित हैं, जहाँ लोगों की लाशें जलाने की जगह नहीं मिल रही है, गंगा में लाशें बहाई जा रही हैं, इस कोरोना काल में ये गुंडा तत्व ऐसे लोग गरीब लोगों कमजोर लोगों के प्लॉटों को कीमती प्लॉटों को कब्जा करना चाहते हैं। लगभग 1 करोड़ रुपये की प्लॉट की कीमत हो चुकी है आज की डेट में। पुलिस ने भी कार्रवाई ढंग से नहीं की। कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि ऐसी समस्या है, कमजोर व्यक्ति है, ऐसी एक्सीडेंट एक्ट नहीं लगाया उसके अंदर, उसमें लूटपाट का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, डकैती डाली गई है, 30-40 लोग हथियारबंद घर में घुस के मारते हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस से ही बात करेंगे, सीपी साहब से ही बात करेंगे, इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे किसी भी कीमत पे। नमस्कार, जय भीम। इस वक्त मैं फरीदाबाद के सूर्यावार पार्ट नंबर 3 में हूँ, और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था जिसमें भीम आर्मी संगठन से मदद मांगी थी। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ परिवार ने कई तरह के आरोप उस वीडियो में लगाए हैं। तो वो जो वीडियो वायरल की थी वो आपने करी थी? अच्छा, तो ये जो मकान पे विवाद है, आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? मैं सर यहाँ 20 साल से रह रहा, 2001 से रह रहा हूँ। अच्छा, और जब से मुझे आज दिन तक किसी तरीके कोई परेशानी नहीं हुई, किसी तरीके कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खुद डीलरों को अप्लीकेशन दे के पुलिस में हर जगह, उसके बाद कोर्ट में उनको केस डाला, डालते डालते आज दिन फिर भी मेरे को इंसाफ। वो जो जमीन का विवाद है वो आपका अभी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन एक आपका सामान घर से बाहर फेंका गया, कौन लोग थे वो? ये गुजर थे, पंडित थे, नाम से लोग थे जिनसे आपने ये? हाँ, वो वही लोग थे। अच्छा, हाँ, उनका नाम बताएं सर जी? बताएं, अमित भाटी, ब्रह्मपाल भाटी, अजय मलिक, अवधेश शर्मा, धर्मवती, उसकी ब्रह्मपाल भाटी की घरवाली है, उनके साथ 3 लेडीज हैं जो भी हैं वो थी, और 40-50 लड़के हाकी डंडे लेके मेरे घर में घुस गए, मेरा सारा सामान ले गए और मुझे मारा तोड़ा, मेरे परिवार को पूरा वो कर दिया। जमीन के जो दस्तावेज हैं वो आपके नाम से हैं? हाँ, मेरे नाम से। अच्छा। हाँ, तो इतने साल के बाद मतलब अचानक से हमला क्यों हुआ? हाँ, पहली बार हुआ। अच्छा। हाँ, पहली बार हुआ मेरे साथ। संगठन के लोग आए, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वो उन्होंने मुझे आज बहुत कुछ आश्वासन दिया कि आप हिम्मत से रहो, मैं आपके साथ हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, और जितना से जितना बनेगा मैं आपकी सहायता करने की कोशिश। अच्छा, ये जो घटना है 16 तारीख की घटना है, 16-5 की, उसके बाद आपने जो पुलिस में शिकायत दी, क्या कुछ हुआ पुलिस की तरफ से? उससे मेरा कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई जब भी मैंने आप लोगों को भीम आर्मी को चुना हुआ है जी। तो इनका कहना यह है कि 16 तारीख की ये पूरी घटना है और उसके बाद पुलिस में शिकायत देने के बाद भी अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल यहाँ पर भीम आर्मी के भी लोग मौजूद हैं, तो एक बार बात करेंगे उनसे। लापरवाही हुई है, जैसा कि कुछ डीलर होते हैं कमीशन बेस पे प्लॉटों को बेचते हैं गरीब लोगों को, जिनको जानकारी नहीं है कागज़ों के बारे में, जो खुद मालिक भी नहीं होते, और किसान से एज एग्रीमेंट पे ज़मीन ली और फर्जी हाथों से लोगों के नाम पे फुल एंड फाइनल के एग्रीमेंट और पैसा वसूला जाता है। जिस समय ज़मीन खरीदी गई हो सकता है 500-700-1500 रुपये गज होगी, लेकिन आज यहाँ पर 30,000-40,000 रुपये गज है। इन भूमाफियाओं की नज़र, क्योंकि गरीब है, असहाय है, बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, ऐसे लोग कमज़ोर लोगों पर ये दबिश दे करके ज़बरदस्ती प्लॉट हथियाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा किसी कीमत में नहीं। दलित समाज से ये व्यक्ति है, इन्होंने भीम आर्मी से गुहार की थी। आज पूरा भीम आर्मी परिवार, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कृष्ण, साथ में मेरे से जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी और पूर्व जिलाध्यक्ष कुणाल जी भी साथ में हैं, और इनके हमने जो कागज़ चेक किए हैं वो भी देखे हैं, साथ में पुलिस की लापरवाही देखी है कि कोरोना काल में मोदी जी ने कहा किस आपदा में अवसर ढूंढिए,
तो ये गुंडे और माफिया लोग इस आपदा में जो कोरोना काल में लोग पीड़ित हैं, जहां लोगों की लाशें जलाने की जगह नहीं मिल रही है, गंगा में लाशें बहाई जा रही हैं, इस कोरोना काल में ये गुंडा तत्व, ये भूमाफिया तत्व ऐसे लोग गरीब लोगों कमज़ोर लोगों के प्लॉटों को, कीमती प्लॉटों को कब्जा करना चाहते हैं। लगभग 1 करोड़ रुपये की प्लॉट की कीमत हो चुकी है आज की डेट में। पुलिस ने भी कार्रवाई ढंग से नहीं की। कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि ऐसी समाज से है, कमज़ोर व्यक्ति है, ऐसी एक्सीडेंट एक्ट नहीं लगाया उसके अंदर, उसमें लूटपाट का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, डकैती डाली गई है, 30-40 लोग हथियारबंद घर में घुस के मारते हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस से ही बात करेंगे, सीपी साहब से ही बात करेंगे, इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे किसी भी कीमत पर। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन का ये वादा है कि क्षेत्र में जहाँ पर भी इस तरह के दबंग लोग गुंडई करना चाहेंगे उनको दबाया जाएगा। कानून, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूजा करने वाले लोग हैं, हम संविधान से और कानून के दायरे से बाहर कोई भी काम नहीं करेंगे। जो भी कार्रवाई होगी, चाहे अगर उसमें कुछ मिलीभगत पुलिस की भी लग रही है हमें, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसके लिए फिर हमें सड़कों पर उतर के भी संघर्ष करना पड़ा तो भीम आर्मी करेगी। अच्छा, कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि घर की जो महिलाएं हैं या जो बेटियां हैं उनके साथ विद्रोह व्यवहार किया गया है, कितना सच है ये बात, आप बताएं? हाँ सर, उन्होंने इनके साथ जो 2-3 लेडीज़ आई थी उन्होंने मेरी दोनों बहुओं को हाथ मार के और फोन दोनों छीन लिए, मेरे से चाबियां उसके आदमी ने छीन ली और उनको धक्का मार के बाहर भगा दिया। आपकी बेटियां कहाँ हैं इस समय? हमारी यहीं पर मौजूद हैं दोनों बेटियां। आप है? अच्छा, क्या कुछ हुआ था उस दिन, जरा बताएं। सुबह 5:30 बजे मतलब मेरे हस्बैंड के नाम पर बोल रहे कि भैया से मिलना है, तो मेरे ससुर जी ने और हस्बैंड ने गेट खोला, उन्होंने डायरेक्ट अटैक करा, डंडा मारा, ससुर जी को मारा, फिर घर में घुस के हमारे कमरे में लाते मारी, लाठियां मारी, गेट खोलकर हमारे को हाथ पकड़ के जेंट्सों ने लेडीज़ों ने बाहर की तरफ धक्का मारा, सारा सामान खींच लिया सब लड़कों ने और हमें घर में घुसने भी नहीं दे रहे थे, सब चीज़ हमारी चीज़ वस्त्र सामान सब कुछ लूट के ले गए। हमारे कागजात भी नहीं है, हमारे सारे कागजात भी गायब हो गए, हमारी चीज़ वगैरह, हमारे पैसे वगैरह सब ले गए और हमारे बस कपड़े छोड़ के गए, कपड़े भी लेके सब चले गए थे, वो दोबारा 12 घंटे बाद दोबारा यहीं छोड़ के चले गए थे। हमने देखा तो हमारी चीज़ वगैरह, हमारे पैसे, हमारी बहुत सारे कागज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, वो कुछ नहीं थे। क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो भू माफिया है ये कोई कमज़ोर लोग नहीं होते, काफ़ी ताकतवर लोग होंगे और जिस तरह से इतने सालों के बाद इस ज़मीन को हड़पने का जो मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं हड़पने का ही मामला है, तो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है, तो भीम आर्मी परिवार के साथ रहेगी जी? किस तरह से रहेगी? सबसे पहले BM न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप उन तमाम पीड़ितों की आवाज़ उठाने के लिए जो है पूरे देश में जो भी घटनाएं होती हैं उनको आप अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और दूसरा, जैसा अभी आपने कहा है कि जो ये भूमाफिया होते हैं बहुत ही ताकतवर होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस देश में बाबा साहब के संविधान से और कानून से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। हम कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और जिस भी हद तक हमें जाना होगा हम जाएंगे। और ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो किसी जाति विशेष या धर्म के लिए काम नहीं करता। भीम आर्मी संगठन, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जो पीड़ित है उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। और बाबा साहब का संविधान जो विश्व में सर्वोपरि माना जाता है वो हमारे पास है और कानून हमारे पास है, हम किसी भी कीमत पर इनको नहीं छोड़ेंगे। और जैसा कि ये मामला सामने आया है, उन लोगों ने इस ज़मीन को हथियाने के लिए इनके कागज़ तक जो है लूट लिए, जेवरात जो घर में थे वो लूट लिए, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया है, तो CP साहब इस चीज़ को आप संज्ञान में लें और आप इसे अपने लेवल पे संज्ञान में लेकर सबसे पहले इस पीड़ित परिवार की सुरक्षा मुहैया आप कराएं, क्योंकि पीड़ित परिवार से आज हम मिले हैं बहुत डरे सहमे हुए हैं, यहाँ तक कि जो आस पड़ोस के पड़ोसी हैं वो भी इस घटना से इतना खौफ खा चुके हैं कि वो भी हमसे कह रहे हैं कि भाई साहब हमें भी अब डर लगने लगा है कि जिस तरीके से 30-40 गुंडे यहाँ पे आके एक साथ हमला करते हैं, कल को वो किसी और के साथ भी कर सकते हैं। तो CP महोदय जी, आप इस ज़िले के मालिक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो आपसे निवेदन है कि सबसे पहले ऐसे गुंडा तत्वों पर लगाम लगाकर पीड़ित परिवार की सुरक्षा मुहैया कराएं
ताकि पीड़ित परिवार अमन और चैन से यहाँ पर रह सके, साथ में और भी जो पड़ोसी हैं वो भी अमन चैन से रह सकें और उनके अंदर जो प्रशासन के लिए जो विश्वास होता है वो कायम रहे। परिवार में महिलाएं ज़्यादा हैं, अभी पता लगा है कि जो पीड़ित हैं उनका बच्चा भी एक शादीशुदा था वो एक्सपायर हुआ है, एक लड़का रह गया है। सीपी साहब, इस पीड़ित परिवार की आप मदद करें, हमें कानून पर भरोसा है। तो आप भी, आप हमें पता है जब आप इस नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं, गरीबों मजलूमों की रक्षा के लिए आप इस पद पर बैठते हैं। आज आपके शासनकाल में अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो बड़े शर्म की बात है आपके लिए भी कि आप भी उन भूमाफियाओं से मिले हुए हैं जो अब तक 16 तारीख से लेकर अब तक आपने इस मामले पर बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। तो आपसे निवेदन है इस मामले को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लें ताकि भीम आर्मी कोई भी कठोर कदम उठाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि अगर हम रोड पे आए इस कोरोना काल में तो इसकी जिम्मेवारी आपके होगी। धन्यवाद। पड़ोसियों से एक बार बात करेंगे, तो कोई पड़ोसी है आप में इनके? आप हैं सर? अच्छा, आप जानते हैं इनको, क्या नाम है उनका? बिल्कुल, सचिन नरेंद्र। अच्छा, तो आप पड़ोसी हैं तो ये भी जानते होंगे कि कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं? करीब करीब 19-20 साल के आसपास तो इनको हो गए हैं। 19-20 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ जी। तो इन पहले से काफ़ी इनका मकान बना हुआ था, जब इन्हें प्रॉपर्टी ली थी तो मेरा मकान में काम भी चला था, तो पानी बल्कि मैंने इन्हों से लिया था उस टाइम पे। जब आपका मकान बना तो पानी आपने इनसे लिया था उस टाइम पे? तो उसके आधार पे मुझे इतना पता है कि 15-20 साल तो इनको हो चुका है। देखिए, ये उनके पड़ोसी हैं और ये कह रहे हैं कि तकरीबन 10-12 साल तो उनके मकान को बने हुए हो गए, वो यहीं पर रह रहे हैं और तकरीबन 20 साल पहले से वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो और भी कोई होंगे पड़ोसी? अच्छा अच्छा, आप जानते हैं उनको? जी हाँ, अच्छे तरीके से। कब से रह रहे हैं वो यहाँ पे? मैं यहाँ पे 1998 में आ चुका था जी, जिस टाइम यहाँ कोई मकान नहीं था, ट्यूबवेल के छोटे छोटे कमरे थे जिनमें एक बल्ब टंगा होता जो देहातों में चिराग की तरह चमकता था। तो बात आपकी ठीक है। सबसे पहले से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बाद 2-4-10 घर हुए, फिर करीब 2001 में सचिंदर जी आए। अच्छा। इन्होंने आके अपना मकान बनाया और मकान बना के जब से आज तक रह रहे हैं 2001 से लेके आज 2021। एक सेकंड, आप बस ले लीजिए, इस बीच में कभी कोई घटना हुई इस तरह की? कभी इस तरह की डीलर ने आके इन पे कोई प्रेशर बनाया हो? कोई घटना नहीं हुई। थाना कचहरी हुआ हो? कोई घटना नहीं हुई। इनका मुकदमा जरूर चला है, वो इस बात पे चला है कि रजिस्ट्री नहीं की है। रजिस्ट्री डीलर ने नहीं दी। कोर्ट में गए? जी हाँ, ये उस बात पे पुलिस में भी गए और कोर्ट में भी गए कि मेरी रजिस्ट्री करवाई जाए, केवल इस बात का चला है, बाकी कब्जे के रूप में कभी कोई नहीं आया। अब ये रात में, मतलब सुबह अंधेरे में, 16 तारीख को सुबह अंधेरे 5 बजे 5:30 बजे सब सोता ही होता है। आपने देखा था वो हमला होते हुए? हमला होते हुए मैंने नहीं देखा था, उस टाइम पे मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही वापस आया तुरंत खबर मिल गई कि 40-50 लोगों ने इन पे हमला कर दिया। जब इन पे हमला को सुना तो थोड़ी तकलीफ़ हुई कि जो इतना पुराना रह रहा है और जिसका मकान है उस पे इस तरह से अगर कब्जा हो तो बड़ी तकलीफ़ की बात है। और एक पड़ोसी है, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम राजकुमार है सर जी। जी, तो जानते हैं आप? हाँ जी को। हाँ जी, ये हमारे ये 2010 से 2000 पहले से रह रहे हैं, 2000 तो हम भी आए हुए हैं, हमारा मकान ये बराबर वाला ही है। अच्छा, कभी डीलर या इनके बीच में कोई विवाद आपने देखा? नहीं जी, घर पे किसी तरह नहीं विवाद देखा। डीलर लोगों ने हमारे रजिस्ट्री के पैसे और खा गए। अच्छा, रजिस्ट्री के पैसे 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके कह रहे रजिस्ट्री अभी खुली नहीं है, खुली नहीं हो, रजिस्ट्री करके राजी नहीं हो रहे डीलर। उसका नाम ही बता दो। सचिन, उसका नाम उनका वो है, अमरदीप ऋषिपाल है। कितने गज का प्लॉट है आपका ये? मेरा 200 गज का है। 200 गज का प्लॉट, और तीन पड़ोसियों से हम बात कर चुके हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 20 वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं। और कोई पड़ोसी है, कोई हाथ उठाएंगे जो उनके जानते हैं? हम जानते हैं इनको जी, मेरा पड़ोस में आमने सामने घर है। 2003 से इनको जानते हैं, आते जाते हैं, और जब हमारा मकान बना तो इन्होंने पानी हमको दिया था। इन्होंने ही पानी दिया था। ये व्यवहार में अभी बड़े अच्छे व्यक्ति ये लोग लग रहे हैं। सब कुछ यही करते रहे ना, हम तो दिल्ली से आते थे, वहाँ संगम विहार में रहते थे और फिर मकान बनाया। ये तो 2003 से हम इनको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी के स्वभाव में सीधापन होना ये भी एक कारण इसका हो सकता है, क्योंकि जिस समय ये ज़मीन खरीदी गई थी तो उसकी कीमतों में आज के समय में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं एक भूमाफिया का ही मामला नज़र आता है। बहरहाल, भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हैं और परिवार को एक आश्वासन दिया है कि हर वो प्रयास किया जाएगा, हर तरीके से उनके साथ खड़े रहेंगे, कानूनी प्रक्रिया से लेकर के और यहाँ परिवार तक, कि उनकी मदद की जाएगी।